कहां छिपा है डॉन मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी। पंजाब से गोवा तक अब्बास को तलाश रही है 8 टीमें। 25 अगस्त तक नहीं किया सरेंडर तो क्या करने वाली है यूपी पुलिस। क्या विदेश भागने के फिराक में है अब्बास। 81 स्पेशल कॉप कर रहे हैं तलाश। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव के नाम पर पुलिस अधिकारियों को धमकी देने वाला मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास पुलिस से बचता घूम रहा है। लखनऊ पुलिस ने 81 स्पेशल कॉप अब्बास अरेस्टिंग के टास्क पर लगाए हैं। कोर्ट में उसको भगोड़ा घोषित करने और प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए एप्लीकेशन लगाई गई है। इस पर सुनवाई 25 अगस्त को होनी है। बाहुबली मुख्तार अंसारी जेल में है। पिता की सीट को संभालने के लिए अब्बास चुनाव में उतरे थे और जीतकर विधायक बने। अब वही अब्बास कहीं छिपकर बैठे हैं और यूपी पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। फरार चल रहे विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में यूपी पुलिस की 8 टीमें पूरे देश में छापेमारी कर रही हैं। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़ और गोवा में अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी चल रही है, लेकिन अब्बास अभी तक पकड़ में नहीं आया है। अब्बास अंसारी के खिलाफ धोखाधड़ी से असलहे का लाइसेंस ट्रांसफर कराने का मामला दर्ज है। इसी मामले में अब्बास कई बार से कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे, जिसके बाद लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। तब से अब तक यूपी पुलिस अब्बास को तलाश रही है, लेकिन हमेशा पुलिस के हाथ खाली ही रहे हैं। पुलिस का कहना है अब्बास की लोकेशन अलग अलग राज्यों में मिल रही है। कोर्ट ने पुलिस को 25 तारीख तक का टाइम दिया है कि अब्बास को पेश किया जाए, लेकिन अब्बास अंसारी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। एक तरफ अब्बास फरार है, दूसरी तरफ लगातार मुख्तार के करीबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब यूपी पुलिस का दावा है कि अब्बास को बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। लखनऊ पुलिस की सर्विलांस टीम ने अब्बास से जुड़े 2 दर्जन लोगों के फोन को सर्विलांस पर ले रखा है। ईडी उसकी संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। अब्बास अंसारी पर टोटल 7 मुकदमे दर्ज हैं। एक तरफ पुलिस सोर्स कहते हैं कि वो बिहार में छिपा है, नेपाल के रास्ते विदेश भाग सकता है। दूसरी तरफ ईडी अब्बास अंसारी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने में लगी है। अब्बास की संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।